स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो जिससे काफी लोगों को डर लगता है, बट अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में और तरीके में समझा दूं तो वेल ये वीडियो को देखना होगा और सब्सक्राइब करना होगा ताकि जितने भी टॉपिक्स हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वीडियोस की आप तक आती रहे। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रोसेस होता है जिसको हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। ठीक है, सी हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो अलग अलग टाइप की हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी काम करना है, जैसे सिर्फ मुझे अपना हाथ अगर यहां से उठा के यहां ले जाना है, इस तरीके से बेंड करना है, बहुत सारी मसल्स हैं, स्पेशली आपकी मसल्स जैसे कि बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ठीक है, बाइसेप और ट्राइसेप का मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूं क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, सेकेंड बात क्या है, ये है एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होती है, ये आपके कोर्स में हालांकि नहीं दिया हुआ है बट एंटागोनिस्टिक मसल्स हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। एंटागोनिस्टिक मसल्स ये होती हैं कि आपकी एक मसल अगर रिलैक्स कर रही है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप फ्लेक्स कर रहे हो, ठीक है, जब आप बाइसेप्स फ्लेक्स कर रहे हो उस टाइम में क्या होता है, जो आपकी बाइसेप है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना, वो उस टाइम क्या करिए, वो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करिए। बट उसकी अपोजिट मसल जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है जिसको हम ट्राइसेप कहते हैं, ठीक है, ये जो होती है ये इस टाइम कर रही होती है रिलैक्स। तो ये दोनों अपोजिट प्रोसेसेस में, अपोजिट मैकेनिज्म्स में है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अपोजिट, ऑब्वियसली इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स, एंटी टू ईच अदर, और एगोनिस्टिक आप समझ लीजिए कि एक तरीके से प्रोसेसेस। सो जब आपकी बाइसेप, अब जैसे अगर ये हाथ इस तरीके से है तो इस टाइम में आपकी बाइसेप रिलैक्स कर रही है बट जो आपकी ट्राइसेप है दैट इज इन कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं, ये हम समझेंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि हमने इसका एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, ये हमारी अटैच्ड है किससे, बोन से, ठीक है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उससे अटैच है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, स्केलेटल मसल्स कह रहे हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल में हम लोगों ने, मैंने आपको दो बिट्स में बताया था कि आपकी एक्टिन फिलामेंट और आपके जो मायोसिन होते हैं। ठीक है, एक्टिन में हमने देखा था इस तरीके से आपकी जो प्रोटीन्स है, याद है, पॉलीमराइज प्रोटीन, ठीक है, और यहीं पे इसकी एक और चेन है पॉलीमराइज। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर यानी आपके दो मोल, एक मोनोमर यूनिट है आपका, वो रिपीट हो रहा है। इसी के साथ हमने देखा था कि इसमें एक और चीज होती है जो इस तरीके से इसके ऊपर होती है, ये अलग प्रोटीन था, प्लस इसके ऊपर ट्रोपोनिन भी था जो अलग से इस तरीके से था कुछ, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर इस तरीके से, ये आपका कुछ एक्टिन का हमने स्ट्रक्चर देखा था। इसके साथ ही हमने एक और स्ट्रक्चर देखा था जो था आपका मायोसिन का। ठीक है, मायोसिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये थिक फिलामेंट है और थिक फिलामेंट ही एक्चुअली जो है वो ज्यादा मूव करता है, आप कह सकते हो कि उसी की वजह से हमने जो नाम दिया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वो कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से था और अल्टीमेटली इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर को हमने मायोसिन कहा था। इसमें हमने देखी थी आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट, राइट, हमने क्या देखी थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो कि यहां पे थी ऊपर की तरफ को, ये हमारा क्लियर है, इतना स्ट्रक्चर जो है हमारा क्लियर है। अब एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि जब हमने पहले बात की थी कि जो आपका मसल फाइबर होता है उसमें जो आपका सार्कोलेमा था, सार्कोप्लाज्म था, उसी में ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा पाई गई थी, वो थे आपकी कैल्शियम आयंस। अब ये कैल्शियम आयंस जो होते हैं ये आपके हेल्प करते हैं एक्चुअली मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, इनका काम क्या
क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो यहाँ देखिए जो ट्रोपोनिन होता है आपका, ठीक है, ट्रोपोनिन जो होता है आपकी मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन फिलामेंट पे, उसको मास्क करके रखता है, उसको छुपा के रखता है। अब क्या करते हैं, कैल्शियम जब आपका रिलीज होगा, ठीक है, कैल्शियम ट्रोपोनिन के सब यूनिट से बाइंड करते हैं, तो जो मास्किंग साइट होती है ना वो खुल जाती है। मास्किंग साइट अगर खुल गई है तो आसानी से जो आपका हेड है, जो आपके मायोसिन का हेड था जिसमें एटीपी बाइंडिंग साइट थी ऊपर, ये आसानी से अटैच हो जाती है आपके एक्टिन के साथ। अब जब ये ऐसे हैं, ठीक है, अब ये एक्टिन के साथ अटैच हो गई, तब क्या होगा, आपका फिलामेंट मूव करेगा और ये जो इस तरीके से है बाइंड हुआ, ये इस तरीके से जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये जो है यहां से बाइंड हो जाएगा, तो ये जो इस तरीके से है ये कुछ आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ बन जाएगा, तो जो ये चीज थी वो स्ट्रेट हो गई। इसको हम कहेंगे, ठीक है, इसका जो नाम है इसको हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज। क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रिज कहेंगे। और जब तक ये इस तरीके से है यानी आपकी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो बहुत ही आसान है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कब होगी, जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ, जो ट्रोपोनिन का सब यूनिट है उसके साथ बाइंड करेगा, एक्टिन पे जो थी साइट्स वो ओपन हो जाएंगी और आपकी मायोसिन की हेड में जो ऊपर की तरफ एक्टिन बाइंडिंग साइट थी वो एक्टिन के साथ जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो होता रहेगा, ठीक है। अब यही पे अच्छा एक चीज और देखी थी हमने, जो थी आपकी एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट। अब जब वो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका धीरे धीरे जो बाइंडिंग थी, जो क्रॉस ब्रिज बना था, ये खत्म हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज खत्म, तो मायोसिन वापस से अपनी ओरिजिनल रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। जो जेड लाइन थी जिसके साथ आपकी फिलामेंट बंधी हुई थी वो भी खत्म, थिन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपली मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन रेस्टिंग, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन तभी होगी जब आपका यहाँ पे कैल्शियम अटैच रहेगा। अब मान लीजिए कि जब कैल्शियम अटैच था वो वापस चला गया, वापस से उसको हाइड्रोलाइज एडीपी जो है बनी, ठीक है, उसे वापस से भेज दिया, जो आपका कैल्शियम है वापस से वो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया, तो क्या होगा, जो ट्रोपोनिन का यूनिट था जो उसके साथ अटैच था वो फ्री हो गया, वो फिर से एक्टिन की जो साइट थी जहां मायोसिन बाइंड होगी उसको मास्क कर देगा। अब जब वो मास्क हो गया है तो मायोसिन आपका अटैच नहीं हो सकता, रिलैक्सेशन रेस्टिंग स्टेज। तो ये है आपका स्लाइडिंग थ्योरी, यानी कि आपकी जो फिलामेंट है वो स्लाइड हो रही है पीछे आगे पीछे आगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या आप ये कह लीजिए कि जो रिलैक्सेशन होता है, दो चीजों की वजह से मेन आपको याद रखना है, एक कैल्शियम, अगर कैल्शियम नहीं है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं करेगा और आपकी एक्टिन पे जो साइट है जहां मायोसिन बाइंड होगी वो ओपन नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे जब तक क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, जब तक मायोसिन अटैच नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा आपका क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और फिर से रिलैक्सेशन या रेस्टिंग स्टेज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। रिलैक्सेशन तो उनकी नॉर्मल स्टेज है, रिलैक्सेशन जो है वो नॉर्मल स्टेज है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है क्योंकि वो ट्रोपोनिन को बचा लेगा, ट्रैपिंग ट्रोपोनिन को एक तरीके से खींच लेगा, तो जो मास्किंग साइट थी, मास्क थी वो हट जाएगा। सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी चीजें याद रखनी जो मैंने आपको पहले भी बताया, कैल्शियम ट्रोपोनिन अनमास्क साइट, मायोसिन अटैचेस, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फिलामेंट पीछे खत्म। जैसे ही कैल्शियम वापस चला जाएगा सिस्टर्नी में आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो फिर से ट्रोपोनिन क्या करेगा, साइट को मास्क कर देगा। अब उसके ऊपर फिर से एक मास्क आ गया है तो मायोसिन उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगी, बस खत्म। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। यही है आपकी स्लाइडिंग थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट कौन सी हो रही है, मायोसिन आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। एक्टिन किसके साथ जुड़ी हुई है, जेड लाइन के साथ, वहां ज्यादा फर्क नहीं आएगा, फर्क यहां आएगा ज्यादा,
कहां? मायोसिन के पास, ठीक है। सो दिस इज योर स्लाइडिंग थ्योरी, जो हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो चाहे आपकी बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, आपकी काब्स की मसल हो, आपकी कोई भी मसल हो, जब वो फ्लेक्स हो रही है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है स्टोर हाउस में से, सारकोप्लाज्म की रेटिकुलम से, और ये आगे का जो आपका पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। एंड दिस इज हाउ यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब दो तीन चीजें और भी हुई हैं, अगर हम उनकी बात करें, सबसे पहले है मसल के बारे में ही है, ठीक है। कुछ मसल्स होती हैं जो आपकी आपने रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े थे, पहले यहां से देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपको अगर याद हो, रेस्पिरेशन मैंने पढ़ाया भी है और आपने पहले भी आप लोगों को पता होगा, रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी एरोबिक और एक होती है आपकी एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक में क्या होता है कि आप क्या यूटिलाइज करते हो, O2 यानी कि ऑक्सीजन। एनएरोबिक जो होती है इसमें O2 आपकी यूज नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमंस में आपकी ऑक्सीजन डेट क्रिएट हो जाती है जब आप एनएरोबिकली रेस्पायर करते हो, और वो पूरी कब होगी, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे। अच्छा, हम एनएरोबिकली कब रेस्पायर करते हैं, जब हम कोई काम या कोई चीज बहुत तेजी से कर रहे होते हैं, जैसे आप भाग रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बार बार मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस टाइम आपकी मसल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट वो क्या करेगी, वो एनएरोबिकली रेस्पायर करेगी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा जिसको हम जानते हैं लैक्टिक एसिड के नाम से, और लैक्टिक एसिड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दैट इट कॉजेस फटीग। क्या कॉज करता है, फटीग। फटीग मतलब क्या होता है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा थकान लगेगी, आप हाफोगे तो क्यों, क्योंकि आपको ऑक्सीजन डेट खत्म करनी है, थकान लगेगी, दर्द होगा। अच्छा, ऑक्सीजन आप जब आप ब्रीद इन करोगे, जैसे लेट अस से सिंपल सा एग्जांपल, आपने कोई 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया और बहुत तेजी से आप भाग के आ रहे हो, उसके बाद क्या होता है, आपके पैरों में कई बार क्रैम्प्स आते हैं, या फिर कई बार पैर दर्द होते हैं, या आपने नया नया जिम ज्वाइन किया है, फर्स्ट 2-3 डेज तो बहुत अच्छे से एकदम आप जान लगा के करिए, तो उसके बाद आपकी पूरी बॉडी एक होने लगती है। वो क्यों होता है, क्योंकि आप जितनी तेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपके मसल्स को, उतना ज्यादा ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो एनएरोबिकली रेस्पायर करेगी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जाएगा फटीग, क्रैम्प्स, पेन, ये सारी चीजें होंगी। अब लेकिन इसका सबसे सही तरीका क्या है, ऑक्सीजन जैसे जैसे आप ब्रीद इन करते जाओगे वैसे वैसे आपका लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज होता जाएगा, इसीलिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद सेशंस होते हैं डीप ब्रीदिंग के। कुछ लोगों का ये भी होता है कि उनको, अगर आप ये कह दीजिए कि एक्सरसाइज की उन्होंने, उसके बाद में अगर और एक्सरसाइज करते हैं, धीरे धीरे कंटिन्यूड रहते हैं, तो लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी मसल स्ट्रेन हो चुकी होती है, तो फास्टर ये जो आपका एनएरोबिकली रेस्पिरेशन थी उसको फास्टर खत्म करने के लिए, बट इनिशियली प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए लैक्टिक एसिड को अगर ऑक्सीडाइज करना है, यू हैव टू ब्रीद इन मोर प्रॉपरली, आपको ज्यादा डीप ब्रीदिंग या ऑक्सीजन के साथ ब्रीदिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो ये एनएरोबिक और ये एरोबिक। अब मसल से कैसे रिलेशन है इसका, मसल्स में आपकी कई बार O2 स्टोरिंग कैपेसिटी वाले सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है। ये जो मायोग्लोबिन होता है ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए जो हमारी जनरली जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं दे अपीयर टू बी रेड इन कलर, क्योंकि ये उनमें ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा आपका मायोग्लोबिन उतनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर्ड। उसी के साथ यहाँ पे एक चीज आपकी और ज्यादा होती है, विच इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बहुत आसानी से रेस्पिरेशन हो जाएगी एरोबिक, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं फास्टर भी होती है चीजें, बिकॉज द मोर यू रेस्पायर एरोबिकली द मोर एनर्जी यू हैव। यहाँ पे कितनी एटीपी बनेगी, 38 ATP, यहाँ पे कितनी बनेगी, 38 8-36, यानी कि 2 ATP बनेगी यहाँ पे सिर्फ, ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, यहाँ पे 38 ATP मिल रही है मुझे, तो एनर्जी कहाँ ज्यादा मिल रही है मुझे, इसीलिए एक्सरसाइजेस के लिए कहा जाता है,
ठीक है। अब ये चीज हो गई आपकी मायोग्लोबिन वाली, तो ऐसी मसल्स को हम कहते हैं रेड मसल्स या फिर रेड फाइबर्स। क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन इज रेड इन कलर, और कहीं ना कहीं ये आपका मसल्स जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली मसल्स उतनी ज्यादा रेडिश दिखेंगी। बट इनके अपोजिट भी होता है और वो होते हैं आपके वाइट फाइबर्स। क्या होते हैं आपके वाइट फाइबर्स? वाइट फाइबर्स में आपका मायोग्लोबिन बहुत कम होता है, तो दे अपीयर टू बी व्हाइटिश, दे अपीयर टू बी यू कैन से कि ज्यादा पेल लगते हैं वो। उसी के साथ उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, उनका नंबर भी आपका कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं इन योर वाइट फाइबर्स, तो इस वजह से वहां पे एनीरोबिक रेस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगेन यू हैव मसल्स लाइक दिस, जहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छी होती है, ठीक है। सो ये है आपके रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स वाले मसल्स में डिफ्रेंसिएशन, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, फिर आपके कैल्शियम का नंबर, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो ये सारी चीजें जो है ये आपकी मसल्स बनाते हैं। And muscles are very important. हम अगर सिर्फ bones के बने होंगे तो भी हम नहीं कर पाएंगे, अगर हम सिर्फ muscles के बने होंगे तो भी हम proper function नहीं कर पाएंगे, right? So बहरहाल यहाँ पे आपका muscles खत्म होता है। Next video में जब हम मिलेंगे we'll start up with bones, जो आपका skeleton है। But अगर next video में मिलना है तो आपको क्या करना है? Subscribe करना है, press the subscribe button, also press the bell icon, ताकि जब भी video आए आप तक notification जरूर आ जाए। Muscles यहाँ तक खत्म हो चुकी है। I would request कि आप लोग एक बार पूरा जो मसल वाला पार्ट है वो एक बार पढ़ लें अच्छे से, आप उसको देख लें कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है कमेंट डाउन करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा लोगों तक रीच बढ़े तो हमें और मजा आए पढ़ाने में, ठीक है। सो मसल्स को प्लीज रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्लीज सॉल्व देम, सो दैट व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम आपके लिए बोन्स जब मैं स्टार्ट करूं तो मसल वाला पार्ट एकदम क्लियर हो, ठीक है। आई सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू।